गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब मेरे व्यूवर्स। आज की ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए यूज़फुल रहेगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा जो मुनाफा बख्श सब्ज़ी उगाने का बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, ये जो हल्दी है, नाज़रीन इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको ये सब इसका जो ग्रो करने की प्रोपोगेशन का मेथड है इसका हल्दी का, वो आपको समझ आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करने से पहले हमारा ये मैं ये कहूँगा कि हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें, तो आप ताकि आप एक एक्सपर्ट गार्डनर बन सकोगे, क्योंकि इस चैनल में तमाम वीडियोस जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और एग्रीकल्चर के जो असूलों के अन मुताबिक हैं। हमारे चैनल की तमाम वीडियोस नहायत बहुत सादा, सिंपल और ज़रायत के जो रिकमेंड सिफारिश करदा असूलों के मुताबिक बनाई गई हैं। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप प्लांट के लिए एप्सम साल्ट जो होता है वो इस्तेमाल करें या एनपीके फर्टिलाइज़र बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ तो बजाते खुद शुगर है और शुगर से पौधों की रूट्स के मसाम जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये साल्ट महकमे ज़रात ने कभी भी तजवीज़ नहीं किया, ये एप्सम साल्ट जो है हमेशा तो जो है ज़रात का महकमा खादें तजवीज़ करता है इसका इस्तेमाल प्लांट पर होना चाहिए। ये साल्ट का मैं भी जानता हूँ कि ये किस चीज़ का मरकब है, कैसे बनता है। ये जो एप्सम साल्ट है इसमें कैल्शियम ज़रूर है, मगर ज़रूरी नहीं कि कैल्शियम के लिए ये नमक ही इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे दोस्तों, अक्सर लोगों ने कहा है कि आप तनकीद बहुत करते हैं, भाई तनकीद क्यों ना करूँ। जब पौधों को कार्बन के लिए कोक की बोतल, कैल्शियम के लिए साल्ट, एप्सम साल्ट और जो है साल्टेड के लिए जो सैलिसिलिक एसिड के लिए डेस्प्रिन की गोली दी जा रही है, तो मुझे तो ये जुल्म पौधों पर देखकर दुख तो होगा और पौधों पर इतना जुल्म देखकर मेरा राइट बनता है कि मैं हर बंदे को जो है वो कह सकता हूँ, ये मेरा राइट है, हर बंदे को मतलबा करूं ये वीडियो देखकर, क्योंकि प्लांट्स पर ये तमाम जुल्म हो रहा है। एप्सम साल्ट दिया जा रहा है, कोक की बोतल दी जा रही है और डिस्प्रिन की गोली दी जा रही है। इसीलिए मेरी ऑलरेडी जो डिस्प्रिन के बारे में वीडियो मौजूद है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देखेंगे तो आपको जो है सब समझ आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों मेरा ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हल्दी जो है ये इसमें इसका मसालों में इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान और भारत में इसका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा है। इसको देसी दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है और सब जानते हैं कि भारत तो वैसे भी मसालों का देश है, ये ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको आप बहुत कम लागत पर ग्रो कर सकते हैं। एक किलो हल्दी 50 किलो तक, इससे एक किलो हल्दी से 50 किलो तक आपकी जो हार्वेस्ट एवरेज है वो आ सकती है। तो आपने उगाने के लिए हल्दी जो लेनी है वो ताज़ा कच्ची हल्दी, यानी कि जो कच्ची हल्दी होती है पकी हुई, वो लेनी है, क्योंकि ये एक तो होती है जो पंसार वगैरह की दुकान से मिल जाती है, सुखाई होती है, वो हल्दी नहीं लेनी। अगर आप वो लेंगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएगी। ये कच्ची हल्दी मैंने लेकर आया हूँ, 3 पीस लिए हैं आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो आप इसको किसी किस्म की मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बेहतर ये है कि भालू मिट्टी हो, रेतली मिट्टी, नरम सॉफ्ट जो है। तो
तो मैंने भी इस गमले में जो ये सोयल यूज़ की है वो बालू मिट्टी है, बहुत सॉफ्ट मिट्टी है, इससे अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। वैसे भी आप किसी किस्म की भी इसको जो मिट्टी में है ग्रो कर सकते हैं, ये हो जाती है। इसकी उगाने की मौसम की बात करें तो मार्च से अप्रैल तक बेहतरीन मौसम है, मगर लेट होने पर आप इसको मई जून में भी उगा सकते हो, जो लेट एयरली सीज़न टाइम है वो मार्च अप्रैल है, लेट होने की सूरत में आप इसको मई जून तक उगा सकते हो। तो इसको मैं आपको दिखाने के लिए इस पॉट में लगाने वाला हूँ। तो सोयल का भी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें किस किस्म की मैंने जो सोयल यूज़ की है, इसी को मैंने ऑलरेडी गीला किया हुआ है सोयल को, मेरी ये काफ़ी भुरभुरी है। तो पॉट में जो मिट्टी है इसमें सिर्फ कोडंग मिक्स है। तो ये तीन पीस इसको मैं आप जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस तरह इसको अगर ऐसे नाइफ से काट कर लगा दें तब भी ये हो जाएगी। तो सिर्फ ये है कि इस पर जो कटा हुआ पीस है ये वाली एक जो जैसे ये आँख होती है ये होनी चाहिए। दोस्तों अदरक हल्दी और आलू ये तीनों को उगाने का मेथड सेम है, अक्सर लोगों से ये हल्दी और अदरक नहीं उग पाते। वजह ये है कि ये हल्दी को लोग कम गहरा लगाते हैं, और दूसरी वजह यह है कि हल्दी ज़्यादा देर लगती है उगने में। अदरक आलू और हल्दी को हमेशा कम से कम जो है जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आप कम से कम ज़मीन में 3 इंच जो है 3 इंच कम से कम इसको डीप लगाएं। यही वजह है कि अक्सर लोगों को ये जो इसकी ये ग्रो नहीं हो पाती। इसका असूल यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा गहरा जो मैक्सिमम 3 इंच गहराई होनी चाहिए। ये देखिए मैंने अभी इसको 3 इंच लगा दिया है। तो इसमें यह है कि आलू अदरक हल्दी को हमेशा जो डीप लगाएं तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसको उगने में। दूसरी बात यह है कि इसको उगने में कम से कम 60 दिन लग जाते हैं। अगर आपने इसको खेतों में लगाना है तो पहले छोटी क्यारियाँ बनाकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दें या कोकोपीट में दबा दें इसको, तो जब ये हल्दी स्प्राउट निकाल ले तो निकाल कर इसको ज़मीन में लगा दिया जाए। अदरक हल्दी और आलू को उगाने का ये बेहतरीन तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया है। हमारे अक्सर फार्मर भाई जो हैं वो भी इसी तरीक़ा से हल्दी उगाते हैं। अब ये तीनों पीस मैंने गमले में 3 इंच गहरे लगा दिए हैं और इसको अब पानी लगा देता हूँ। तो पानी आपने इसको इतना देना है, मुनासिब पानी, मिट्टी में जो कलर वाली मिट्टी है उसमें सिर्फ ये नहीं ग्रो हो सकती क्योंकि उसमें पानी जो है वो खड़ा रहता है। तो इसको लगाने के बाद आपने फुल सनलाइट में इसको रखना है, शेडी एरिया में जो है इसको रखने की ज़रूरत नहीं। और जब इसकी ज़मीन ऊपर वाले ये मिट्टी खुश्क नज़र आए तभी आपने इसको पानी लगाना है, ज़्यादा पानी के लगाने की ज़रूरत नहीं है वरना तो ये ज़मीन में गल जाएगी। दोस्तों अक्सर किसान लोग जो हैं वो आलू हल्दी और अदरक को जब उगाते हैं तो इसको जो लिक्विड हार्मोन एसिड में पानी में भिगो कर लगाते हैं ताकि ये ज़मीन में गल सड़ ना जाए, लेकिन ये लिक्विड हार्मोन मेरे पास तो नहीं है, मैंने वैसे ही इसको लगा दिया है। तो ये लग चुकी है, अब इसको कम से कम 60 दिन चाहिए स्प्राउटिंग निकालने के लिए, क्योंकि ये मेरा काफ़ी सालों का तजर्बा है। अक्सर लोग हर 10 या 15 या 20 दिन बाद इसको उखाड़ कर देखते हैं कि इसके स्प्राउट निकले हैं कि नहीं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपने तजर्बा की बुनियाद पर इल्म है कि ये 60 या 70 दिन में उगने में ले जाती है। ओके तो दोस्तों ये वीडियो एक ही लेंथ में मैं बनाऊंगा, तो इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मेरे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं एक लंबी ब्रेक के बाद। ओके तो बाय। ये हुए तकरीबन आज पूरे 70 दिन हो चुके हैं। तो ये जो आपको स्प्राउट नज़र आ रहे हैं ये देखें ये 58 दिन बाद जो है
इनके स्प्राउट निकले थे। ये आपके सामने मैंने 3 पीस जो थे लगाए थे, तो ये पूरे 58 दिन बाद निकले हैं। इन 58 दिनों के दरमियान जो है इसको मैंने पानी सिर्फ इतना दिया कि जब इसकी ये ऊपर वाला जो मिट्टी का ये सर मुझे ड्राई फील होती थी तो तभी मैंने इसको पानी दिया। ये देखें कितने प्यारों पत्तों वाले लिपटे हुए जो हैं इसके पत्ते निकल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको अपने ही हाथों से उगा देखकर, इनको लगाए हुए जैसे कि मैंने बताया कि 70 दिन हो चुके हैं। ये देखें कैसा गोल पत्ते हैं इसके, ये पत्ते बढ़ते जाएंगे और खिलते जाएंगे जैसे जैसे ही। ये देखें जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मई जून के महीने में जब गर्म लो चलती है तो इसके ये इस पर असर कर जाती है। ये देखें इसके जो ये पत्ते हैं वो थोड़े बर्न हो चुके हैं, सूख चुके हैं, मगर जैसे जैसे मौसम ठीक होता जाएगा, जुलाई अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा तो ये तेज़ी से अपनी जो है ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। मई जून के महीने में सिर्फ इनके इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और इनकी ग्रोथ थोड़ी सी जो है रुक जाती है। तो इनको मैं ये ज़रूरत के मुताबिक, अभी देखें ये जो है आपके सामने ये मिट्टी जो है बिल्कुल खुश्क नज़र आ रही है। मैंने इसको तकरीबन 5 दिन पहले पानी दिया था, गर्मी की वजह से ये बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो चुकी है। और ये जो हल्दी है ये दिसंबर में जाकर तैयार होगी, मतलब कि जब बहुत सर्दी पड़ेगी तो इसके पत्ते जो हैं ये प्लांट बन जाएगा और इसके पत्ते सूख जाएंगे और 7 या 8 माह बाद ये फसल तैयार होगी। अब इसको निकाल कर देखते हैं कि इसके नीचे से आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ कि नीचे से क्या शक्ल इसने इख्तियार की हुई है। देखें इसको बड़ी एहतियात से निकालना है, नहीं तो आपकी जो रूट्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। बड़ी एहतियात से आपने किसी शार्प टूल की मदद से इसको निकाले लेना है। ये मैंने कम से कम मिट्टी में 3 इंच जो है इसको लगाया था, काफ़ी गहरे हैं ये। हल्दी हमेशा अदरक हल्दी जो है आलू ये 3 फसलें पहले भी मैंने आपको बताया था, ये ज़मीन में कम से कम 3 इंच गहरी होनी चाहिए। ये देखिए ये इसका, अरे वाह, ये तो अजीब बात हो गई। ये देखें ये मैं समझ रहा था कि ये 2 प्लांट हैं, तो ये हल्दी जहाँ जहाँ जैसे मैंने आपको बताया था एक आंख इसकी यहाँ पर थी एक यहाँ पर, तो एक ही पीस से इसने ये दोनों स्प्राउट जो हैं निकाल लिए हैं। ये देखें तो अब आप इनको जो ऐसे ही है अपनी क्यारी में या बड़े कंटेनर में ऐसे ही लगा लें और इनको पानी दे दें। अब दूसरा भी एक और निकाल कर देखता हूँ पीस। ये भी काफ़ी डीप है, तो ये देखें ये दोस्तों, ये जो मैंने इस वीडियो के पहले आपको जो इसका मेथड बताया था हल्दी और अदरक का, पहले भी बता चुका हूँ उगाने का मेथड एक ही है। तो इसको आप किसी पीट मॉस या कोको पीट में काफ़ी सारी हल्दी लेकर उसको लगा दें। जब ये जैसे ये रूट्स निकली हैं, रूट निकालने के बाद इसको आप किसी क्यारी में ग्राउंड में या बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दें। तो अभी ये देखें मैंने आपको इनका रिज़ल्ट दिखा दिया है।
मगर अभी मैं इनको इसी पॉट में रहने दूंगा, क्योंकि मुझे सर्दी के लिए, जो सर्दी के मौसम के लिए जो मैंने सब्जियां फूल वगैरह लगाने हैं, उसके लिए मुझे अभी क्यारी तैयार करनी है। तो ज़ाहर है गोड़ी करने से ये प्लांट डैमेज हो सकते हैं, अगर मैं इनको अभी अभी क्यारी में लगाता हूँ तो जब मैं गुडाई उनमें काऊ डंक डालकर इनकी पानी लगाऊंगा और गुडाई करूंगा तो ये प्लांट मेरे जो हल्दी के हैं ये डेड होने का डर है। ओके तो व्यूवर्स, ये मैंने आपसे हल्दी लगाने का मुकम्मल कंप्लीट मेथड जो है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लाइव करके बता दी है। तो आप लोग इस हल्दी को उगाएं, दोबारा बता रहा हूँ, 1 किलो हल्दी से तकरीबन जो है 50 किलो हल्दी पैदा हो सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त फसल है ये, तकरीबन 7-8 महीनों के बाद ये जो हार्वेस्ट है ये तैयार होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट्स करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके तो बाय।